केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों के विचार अलग अलग हैं। यहाँ नड्डा जी जाके कुछ अलग, यहाँ नड्डा जी आकर कुछ अलग बोलते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री आके यहाँ अलग बोल के जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि हम 2022 में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त करेंगे और प्रदेश के गृह मंत्री बातचीत के रास्ते से मुक्त करेंगे। पहले तो ये दोनों को तय करना चाहिए, पहले प्रदेश के गृह मंत्री को नड्डा जी और अमित शाह से पूछना चाहिए आखिर वो क्या चाह रहे हैं और राज्य सरकार क्या चाह रही है। पहले स्थिति राज्य सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए। मैंने कहा चाहे बातचीत के रास्ते पे ये हल करना चाहते या बंदूक के बदले बंदूक से हल करना चाहते, ये पहले राज्य और केंद्र बैठ के दोनों मिल के तय कर ले आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आखिर चाहते क्या है। लेकिन हम बस्तर के जनता और बस्तर के जनप्रतिनिधि चाहते कि बस्तर शांत रहना चाहिए। जो हमारे कांग्रेस की सरकार में बस्तर शांति की ओर था, लेकिन आज बस्तर और पूरी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अशांति की ओर लौट चुका है। स्पष्ट नहीं है नीति प्रदेश सरकार की, प्रदेश सरकार की नीति कहीं भी स्पष्ट नहीं है। मैंने कहा उनको केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर उनको बैठकर तय करना चाहिए कि इस मुद्दे पे स्पष्ट नीति क्या है। इसलिए केंद्र अलग आकर कुछ बोलती है और राज्य को कुछ अलग आकर बोलती है। कांग्रेस की नीति क्या है, आप लोग क्या सरकार को इस बारे में अपनी सलाह देंगे क्या? देखिए सरकार में बैठे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहे सलाह लेना चाहे क्यों नहीं, बिल्कुल देने को तैयार है।